वो ए है. सो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 1 2, ये आपके पास ए आ गया. सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी ए स्क्वायर है, तो आप फाइंड करेंगे ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए. तो ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, ए में करेंगे, ए डॉट ए 2 3 1 2, 2 3 1 2. सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, वैल्यू इज 7. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, वैल्यू इज 12. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वैल्यू इज 4. सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 4 इज 7. बोलिए कोई डाउट है क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कोई डाउट है किसी को? नो चलिए नो सर. ओके, ये आपका ए स्क्वायर आ गया. आपको ये प्रूफ करना है कि ओके इक्वल है. लेकिन चलते हैं नाउ, टेक द एलएचएस, एलएचएस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई. हम लेके चल रहे हैं एलएचएस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई. वैल्यू पुट करते हैं, आइए द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इधर कर रहा हूं. द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज मैट्रिक्स 7 12 4 7. बीच में कौन है, माइनस है. अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका ए स्क्वायर था, आपने ए स्क्वायर पुट करा, अब माइनस है, माइनस आया. 4 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, ए में. और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है. और किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट के अंदर होती है. तो ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई आप ए में करेंगे तो ईच एलिमेंट में होगी. 4 2 जा क्या आएगा आपका, 8 आएगा. 4 3 जा आपका 12 आएगा. 4 1 जा 4 आएगा. एंड 4 2 जा आपका 8 आएगा. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, एंड 4 2 जा 8. देन प्लस, अब आपके पास आई है. आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, हूज स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 1 एंड अदर एलिमेंट्स इज 0. तो हूज स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाई 2 क्या आएगी, डायगोनल एलिमेंट 1 1 आएगा और अदर एलिमेंट 0 आएंगे, 1 0 0 1. सॉल्व करते हैं, किसी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. हमें तीनों मैट्रिक्स को प्लस और माइनस करना है, ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, ये कौन है, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8. 8 माइनस 8 0. 12 प्लस 0 12, एंड 12 माइनस 12 इज 0. 4 माइनस 4 इज 0. 7 माइनस 8 माइनस 1. -1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू ओ इक्वल टू आर एच एस. हेंस प्रूफ. आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. हमें पहले ये प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए इसके इक्वल है या नहीं इनवर्स, कि इनवर्स फाइंड करो बट इस इक्वेशन का यूज करो. तो फाइंड करते हैं इनवर्स. चलिए, हमने ये प्रूफ कर दिया कि 0 के इक्वल है. अभी इनवर्स फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन लेके चलते हैं. नाउ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस i इज इक्वल टू 0. आपको फाइंड करना है इनवर्स. तो आप सबसे पहले, जब भी इनवर्स फाइंड करना हो किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, i को बिल्कुल अकेला करेंगे. किसको अकेला करेंगे, आई को. तो आई को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 4a किसका है, माइनस का. उदय किसका हो जाएगा, प्लस का. ए स्क्वायर किसका है, प्लस का. उदय किसका हो जाएगा, माइनस का. तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 4a माइनस ए स्क्वायर. आई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4a माइनस ए स्क्वायर. अब फाइंड तो इनवर्स करना है, बट इनवर्स कहीं पर नहीं है. तो क्या करेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. कहां पर, दोनों साइड. आई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स डॉट ए माइनस ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स. सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, या ए इनवर्स की, किसमें, आई में करी. तो आई डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स डॉट ए माइनस ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स. अब थोड़ा सा ध्यान से अच्छा दीजिए, बाद में नोट करिएगा, पहले समझ लीजिए. आई की मल्टीप्लाई किसमें भी करें आई आता है. अभी नोट कराया था ए इनवर्स डॉट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, कि आई में किसी की मल्टीप्लाई करें वो चीज आती है. सेकंड नोट कराया था ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई, कि इनवर्स में अगर उसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई के इक्वल आता है. तो ये आपके पास हो जाएगा 4i माइनस. अब यहां पर ए स्क्वायर आ रहा है, यहां पर ए स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने ए के को लिखा सेम, ए के को सेम लिख दिया. दूसरा ए दे दिया इनवर्स को, तो आपके पास कौन आ गया, ए डॉट ए इनवर्स, है ना. और वो क्या हो जाएगा आपका, आई. बोली कोई डाउट है क्या, क्लियर है यहां तक भाई. आई के इनवर्स में करिए, इनवर्स आ गया और ए इनवर्स डॉट ए आई आ गया, माइनस सेम आ गया. आपका ए स्क्वायर था, ए के सेम आ गया,
ए के मैंने क्या का इनवर्स को दे दिया तो आई बन गया। फिर आगे चलते हैं, ये आपका ए इनवर्स आ गया। फोर आई क्या होगा, फोर आई होगा और क्या होगा माइनस आई में आप किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज आ जाती है, तो ये हो गया फोर आई माइनस आई। फिर चलते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू फोर आपका फोर रहेगा, आई की वैल्यू होती है 1001 माइनस द मैट्रिक्स ऑफ ए इज 2312, ये पुट कर दिया इधर कर रहा हूं भाई। सो ए इनवर्स इक्वल टू ध्यान दीजिए 4 1 जा डैट कर रहा हूं 4 1 जा 4 और माइनस 2 वैल्यू इज 2, 400 माइनस 3 वैल्यू इज माइनस 3, 400 माइनस 1 वैल्यू इज माइनस 1, 4 1 जा 4 माइनस 2 वैल्यू इज 2। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स, और आपको यही फाइंड करना था। किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, बताइए डाउट है किसी को भाई, यस और नो तो बोलो। सर ये आई की वैल्यू